अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मैं छत पे आ चुका हूँ और अपने कबूतर सारे खुल रखे हैं और काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही है आज 4 दिनों से लमसम, तो आप लोग से शेयर करना है, तो इंशाल्लाह वो भी आज आप लोग से शेयर करूँगा। तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज ही दिखाते हैं। तो बैड न्यूज़ ये है कि अपना जो बड़ा वाला सिराजी है, ये वाइट वाला कोने में जो खा रहा है, वो भी लकवे की चपेट में आ चुका है और अभी हल्का फुल्का है उसका, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। बट उसको मैं आज से ही अलग रखना शुरू कर दूंगा क्योंकि दूसरे कबूतरों में ऐसा वायरस ना फैल पाए, इसकी वजह से मैं उसको अलग रखना शुरू कर दूंगा। और उससे पहले अपना जो चोटी वाला कबूतर था वो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में है, लकवे के चपेट में आया है। इसको तो मुमकिन 2-4 दिन हो गए, तो इसका काफ़ी ज़्यादा हो चुका। पहले तो ठीक था, खा पी रहा था, टेढ़े की हल्की सी गर्दन, बट अभी इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरी गर्दन भी टेढ़ी कर रखी इसने। तो उसको बस दुआ करिए कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए, इसलिए मैंने छोटी सी जगह में रख रखा है ताकि ज़्यादा मतलब बड़ी जगह में होता तो चल भी नहीं पाता, खड़ा भी नहीं हो पाता। बहरहाल छोटी सी जगह में है तो अपने टेक वेक भी लगा के खड़ा हो जाता है। बाकी अपना शेराजी वो भी थोड़ा सा हल्की गर्दन तोड़ में हुआ है, तो इंशाल्लाह मेडिसिन देते हैं और कोशिश करते हैं ठीक करने की, इंशाल्लाह रिकवरी जल्दी हो जाएगी। बाकी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ये वाली जो अपनी पीटी है इसको मैं निकाल लूं और इसी में अलग बंद करूं अपने केज के से अलग, ताकि दूसरे कबूतरों में ये वायरस न फैल पाए। और दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी ठंडियां शुरू हो गई हैं तो कबूतरों के लिए भी थोड़ा ठंडियों में दिक्कतें आती हैं। दिक्कत ये आ रही कि जैसे कबूतर बीमार पड़ रहे हैं मेरे, कुछ जैसे सुस्त पड़ रहे हैं, अपना ये पट्ठा निकला हुआ था जो, तो ये भी 2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा सुस्त है। फिलहाल मैं इसे मेडिसिन दे रहा हूँ और इसके माँ बाप ने फीड कराना छोड़ दिया, इसकी वजह से तो हो सकता है शायद से ये सुस्त पड़ गया हो, क्योंकि आप खुद से फीड थोड़ा मोड़ा ही खाता था। बहरहाल अभी मैं आप खुद से ही फीड भी करा रहा हूँ इसे और प्लस मेडिसिन भी दे रहा हूँ। तो दुआ करिए दोस्तों, इंशाल्लाह जल्दी ये भी रिकवर कर जाएगा। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये हो रही है दोस्तों कि अपने कुछ कबूतर 2-4 कबूतर हैं जो लकवे में आ गए हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है। सबसे पहले जो अपना छोटी वाला कबूतर नया आया हुआ था, शायद से उसी से ये लकवे वाली बीमारी है, क्योंकि वो जहाँ से आया वहाँ भी काफ़ी कबूतरों को लकवा अब शुरू हुआ है, तो शायद से वहीं से हो, क्योंकि सबसे पहले इसी को फिलहाल वो इस गत्ते में मैंने बंद कर रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा सा ठीक है, 4 दिनों से इसको दिक्कतें हैं, बहरहाल आज वो थोड़ा ठीक है। बाकी उसकी वजह से कुछ अपने कबूतरों में भी दिक्कतें आ गई, जैसे अपनी ये मद्रासी की फीमेल, ये वाइट वाली, ये भी हल्का सा इसको भी हुआ है, प्लस अपना शेराजी वाइट वाला इसको भी है, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा गर्दन टेढ़ी कर रखा है। और इसकी जो फीमेल थी उसको भी प्रॉब्लम है, तो उसको भी फिलहाल इन सबको मैंने अलग कर रखा है। बहरहाल इसको मैंने अलग नहीं किया मद्रासी की फीमेल को, क्योंकि इसने बच्चे निकाल रखे हैं उस बाल्टी में, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं किया। बाकी अब मेडिसिन करते हैं और थोड़ा सा जो है देसी नुस्खा भी अपनाते हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी से बीमारियां जो भी हैं ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों सिराजी की फीमेल को मैंने यहाँ रख रखा है और इसको भी ये सुस्त तो है ही, बाकी दूसरी दिक्कत ये कि इसको भी लकवे में लकवे के चपेट में ये भी आ गई है। तो दुआ करिए दोस्तों कि अपने सारे कबूतर जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बाकी अभी जितना हल्का फुल्का है उससे ज़्यादा ना बढ़े, और अब मैं मेडिसिन भी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे। बाकी अपने सारे कबूतर अभी तो फिलहाल ठीक हैं और दुआ करता हूँ कि सारे स्वस्थ रहें और फिट रहें बिल्कुल। और दोस्तों अपने ताकी का बच्चा माशाल्लाह, एक बच्चा इतना बड़ा हो गया है और दोनों बच्चे हैं माशाल्लाह, और दूसरा बच्चा यहाँ पे रख रखा मैंने ऊपर वाले जोड़े के नीचे, और ये बच्चा खैर टाइप में निकल रहा है, चलो ये देखिए। तो माशाल्लाह ग्रोथ दोनों की बहुत अच्छी हो रही है
और दुआ करते हैं अच्छे अच्छे बड़े हो जाएं और बीमारी से महफूज रहें। और दूसरा, अभी इनका ब्रीड नहीं शुरू हुआ, इनका जो बच्चा निकला हुआ था वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, बहरहाल वो भी रिकवर हो गया माशाल्लाह, काफ़ी फिट है अभी। और इनके इनका भी अंडा है, इंशाल्लाह हफ्ते भर में इनका भी बच्चा निकल जाएगा। प्लस एक अंडा इनके नीचे मैंने शेराजी का रख रखा है, तो वो भी फर्टाइल लग रहा है मुझे, बट देखते हैं क्या होता है, इंशाल्लाह वो भी बच्चा निकल जाएगा। बट दिक्कत ये है कि एक पेयर तीन बच्चे कैसे पालेगा, मैं ये सोच रहा हूँ। बहरहाल इनका बच्चा तो बाद में निकलेगा, पहले शेराजी का निकलेगा, क्योंकि अंडा उसका पहले का, दो चार दिनों में इंशाल्लाह शेराजी में से बच्चा निकल जाएगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपना कोई पेयर अंडे अंडे दे, तो उसके नीचे मैं रख के बच्चे निकाल सकूँ, ताकि अच्छे से इसे बड़ा हो जाए, क्योंकि शेराजी दोनों बीमार हैं अभी। फिर से ब्रीडिंग कब करे कब नहीं, इसका कुछ नहीं पता। बाकी इनके बच्चों मद्रासी का बच्चा था, वो यहाँ पे ये बैठा हुआ है, तो ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिसिन वगैरह दी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिट हो गया। बाकी सारे कबूतर अपना धूप ऊप ले रहे हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मुझे डर है कि शायद से बच्चे मर गए हैं अंडे में, क्योंकि अंडा चिटका हुआ है दोनों का दोनों, और शायद से बच्चे अंदर मरे हुए हैं, निकाल के देखते हैं। बहरहाल मुझे तो मरे ही लग रहे हैं बच्चे। जी हाँ दोस्तों, बच्चे अंडे में ही एक्सपायर करके फिर से, देख सकते हैं आप लोग, पता नहीं क्या वजह है कि इनका बच्चा निकल ही नहीं पाता, किस वजह से मर जाता है। दोनों में बच्चे बने हुए थे बट एक्सपायर कर गए। इस बार अंडा थोड़ा छोटा था, तो मुझे लगा था शायद से हर बार अंडे बड़े देते हो, मजबूती की वजह से बच्चा नहीं निकल पाता, बट इस बार तो अंडे भी छोटे थे और बच्चा निकलना चाहिए था, बट अल्लाह खैर करे जो भी है। तो आज की वीडियो बनाने फिर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि यार कभी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कि कबूतर इतने ज़्यादा बीमार पड़े। बीमार पड़ते थे बट मेडिसिन वगैरह देता था, ठीक हो जाते थे, बट अभी इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि लकवे में कबूतर आ रहे हैं। इससे पहले कभी मेरे कबूतर लकवे में नहीं आए, हो सकता है कि खुली फिजा की वजह से या खुली हवा लगने की वजह से ऐसा हो रहा हो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ लकवे में। और लकवे को सुना कि मतलब काफ़ी लोगों से मैंने जानकारियाँ ली, बट उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि लकवे की कोई मतलब मेडिसिन वगैरह आती भी हो, बट लोग वीडियोज़ बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, तो हो सकता है कुछ भी हो, मुझे तो बहरहाल नहीं नॉलेज है, बट कुछ देसी नुस्खा इंशाल्लाह उसको आप करेंगे, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि जल्दी से रिकवरी हो जाए और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए कबूतर अपने। तो आप लोग भी दुआ करिए कि जल्दी से अपने कबूतर सारे ठीक हो जाएं। और यार दो बच्चे वाले पेयर हैं जिनके बच्चे निकले हुए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि गर्दन टेढ़ी जाती है, वो फीड कराना फिर छोड़ देंगे, तो ये भी मुश्किल है। तो दुआ करें जो हम अपने मद्रासी की फीमेल की है, तो जितना है उतने पे रुक जाए और जल्दी से रिकवर हो जाए, बाकी हम बच्चे को अच्छे अच्छे बड़ा कर दे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और दुआ करें कि जितने भी कबूतर लकवे में हैं या सुस्त वगैरह, जितनी भी बीमारियाँ हैं, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएँ, बस इतनी सी दुआ करें आप लोग। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।